प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। चुनाव के पहले आसनसोल के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश, काली पहाड़ी के हनुमान मंदिर और कल्याणपुर के शिव मंदिर में तोड़फोड़। যাদের পায়ে তোলা মাটি সরে গেছে, আমি কারো নাম নেব না, সেসব দুষ্কৃতীরা তারা আজকে মন্দিরে হামলা করছে। आगामी 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आसनसोल में हो सकती है सभा, दिखाई दे सकती है उनकी खास शैली। दीदी ओ दीदी, लगभग 2 साल पहले आसनसोल में रामनवमी के मौके पर दंगे की स्थिति पैदा हुई थी और दोनों प्रमुख धार्मिक संप्रदाय के लोगों को नुकसान उठाना पड़ा था। 2 सालों से सब कुछ ठीक था, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, आसनसोल के सांप्रदायिक सौहार्द को कथित रूप से बिगाड़ने का खेल शुरू हो गया है। दरअसल आसनसोल के 2 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है। काली पहाड़ी में एक हनुमान मंदिर है, जहां शुक्रवार की रात करीब 12 बजे किसी के द्वारा नुकसान पहुँचाया गया। मंदिर में हनुमान की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, उनके गधे में भी तोड़फोड़ की गई है, तस्वीरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में खासा रोष है। इलाके के वकील विनोद कुमार यादव ने कहा कि पिछले कुछ समय से कई मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और ये जानबूझकर किया जा रहा है। अगर इस तरह के कृत्य को जल्द नहीं रोका गया तो स्थिति भयानक हो सकती है। घटा है कि गत कुछ दिनों से हम लोग का आसनसोल का जो साउथ है या साउथ में जितना भी मंदिर है, मंदिर के अंदर चोरी हो रहा है, ताला तोड़ा जा रहा है। इसी घटनाक्रम में आज हम लोग का ये काली पहाड़ी यहाँ पे जो है हनुमान जी के मंदिर पे तोड़ा ही, उस पर प्रहार किया गया। वहाँ जितना भी मूर्ति रखा हुआ था, फोटो वगैरह, उसको तोड़ा गया है और हनुमान जी को क्षतिग्रस्त करने का कोशिश किया गया है। सुबह सुबह यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं वो लोग देखा, देखने के बाद पुलिस को फ़ोन किया, आसपास के आदमी एकजुट हुए, यहाँ देने के बाद देख रहा है कि कोई रात में ये क्रियाकलाप करके चला गया है। हमारा प्रशासन से यही मांग है कि आपकी जितनी भी पुलिस फोर्स है सब रोड पर रहती है, पेट्रोलिंग करती है, फिर भी ऐसा घटना हो रहा है, ये कौन कर रहा है, कौन असामाजिक तत्व तो इसमें लिप्त है, इसको पुलिस इमीडिएट एक्शन ले, नहीं लेगा तो ये बेहद रूप से बहुत बड़ा घटना में परिवर्तित हो जाएगा, तब शायद संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ का सीपी साहब, एसीपी साहब और हमारे जो थाना प्रभारी हैं साउथ थाना, उनसे अनुरोध है कि आप इमीडिएट संज्ञान लीजिए और संज्ञान लेने के बाद जो दुष्कृति ये सब घटना कर रहा है, जो आपस में ऐसा ये करने का कोशिश कर रहा है, उसको इमीडिएट गिरफ्तार किया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, नहीं तो फिर इसका अंजाम हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो आगे बढ़ना है उसको करेंगे, सामाजिक तौर पे जो काम हम लोग करेंगे। क्या लगता है आपको कि कोई राजनीतिक जुड़ाव है? कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी। बिना षड्यंत्र का कोई भी आदमी रात को 12 बजे, उसको क्या पड़ा हुआ है बजरंग बली का मंदिर तोड़ने का और शिव मंदिर से पैसा चुराने का और ये करने का, कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी है। ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, हमारा सीपी साहब से और उसी साउथ से करवद अनुरोध है कि भाई इसको आइए और आकर के इसको सॉल्यूशन कीजिए, इमीडिएट इस पे कोई एक्शन लीजिए। इस घटना की खबर मिलने के बाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष शिवराम बर्मन काली पहाड़ी के हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका इरादा ठीक नहीं है। অনেক সময় অনেক ঘটনা ঘটে, মানে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে। আচ্ছা, আমরা কি এইসব দিন দেখতে চেয়েছিলাম? কিছুদিন আগে এখানে কোনো শ্রীমন্দির হামলা হয়েছে, মন্দিরের উপর আঘাত নেমে আসছে, মন্দিরের উপর আঘাত আসছে, কিন্তু এটা আমাদের তো কাম্য নয়। এটা আমরা স্বাধীন ভারতে কাজ বাস করি, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি আমরা, আর সেখানে যারা যাদের পায়ে তোলা মাটি সরে গেছে, আমি কারোর নাম নেব না, সেসব দুষ্কৃতীরা তারা আজকে মন্দিরে হামলা করছে বিভিন্ন জায়গায়। তো মানে কোনো ভাষা নাই এর, আপনাদের মাধ্যমে একটু বলতে চাই, এসব করে কিছু হবে না, কারণ এখন মানুষ সচেতন হয়ে গেছে, যত হামলা করবে তত মানুষ জাগৃত হবে। জয় শ্রীরামের ধ্বনি দিদি ভয় পাচ্ছে, তার এটা একটা প্রতিকৃতি যে বজরংবলী মন্দিরে ভাঙা হয়েছে আজকে, কিন্তু শিব মন্দিরে ভাঙা হয়েছে এখানটায়। তো বিভিন্ন বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে, এসব ঘটনাগুলো আসছে সামনে আমাদের, আপনাদের মাধ্যমে এই বার্তা দিতে চাই। তো যারা আছে আমরা কিন্তু বদল চাই, খুব একটা বদলা কিন্তু এখনও বলিনি, যে বদলা চাই আমরা বলিনি কিন্তু এখনও। তো যদি কাউকে ইরিটেট করা হয় বারংবার, আমাদের যে ছেলেরা যারা এখন ধৈর্য ধরে যারা আছে, দু তারিখে পরে তাদের ধৈর্য ধরে রাখাটা আমাদের কাছে মুশকিল হয়ে পড়বে তখন।
তাই অনুরোধ করব এমন কোনো ঘটনা যেন কেউ না করে, যাতে আমাদের যারা ছেলেরা এখন ধৈর্য সবাই আছে তাদের ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙে না যায়। जैसे विधानसभा चुनाव है सामने और ये सांप्रदायिक चीज़ों को बढ़ावा दी जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? एक आप तो देखा कुछ दिन पहले दीदी बोला ना, हर मुस्लिम को इकट्ठा होना है, ये बात दीदी बोला। अच्छा ऐसे होता है? मुस्लिम कल उन्हीं का है, उन्हीं का सुनता है, कोई मुस्लिम अच्छा है क्या? दीदी को ये बात पता नहीं है दीदी को कि साइलेंट वोटर कितना है। जो मुस्लिम लोगों का संप्रदाय है बंगाल छोड़कर हर जगह में जाए देखे ना, यूपी में मुस्लिम नहीं है, गुजरात में मुस्लिम नहीं है, बोला अच्छा नहीं है, इससे लाखों गुना वो लोग अच्छा है। तो साइलेंट वोटर है वो लोग, सब वोट डाले गए बीजेपी को, तब तो पता चलेगा क्या है। आज 80% पुलिंग हो रहा, इसका मतलब क्या है? मानुष जागृति हो गया, वो लोग को पता है क्या करना है। अभी लेकर दादा जो ये घटना हुआ इसको लेकर आप लोग अभी पार्टी की तरफ से क्या करेंगे? पार्टी की तरफ से अभी तो सब प्रोसेस में है, जो करना करेंगे लोग, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये सारी काम जैसे था उसी हिसाब से होगा, फिर और भी अच्छा होगा। जैसे था मंदिर अभी हम बोला, बाकी प्रशासन भी बोला मूर्ति देगा, बाकी जो जो बोल के हम भी अभी बोला जा, सारी जो खर्चा है मेरे पार्टी का तरफ से सारी काम करके मंदिर पहले से और अच्छा बन जाएगा। जैसे प्लास्टर वगैरह नहीं है, ये सारी काम देखे मैं भी हो सके ये लोग कब करेगा, जितना जल्दी ये लड़का लोग करेगा सारी सहयोगिता मेरे तरफ से रहेगा, पार्टी की तरफ से रहेगा, ये मंदिर और अच्छा बन जाएगा। इधर काली पहाड़ी के साथ ही कल्याणपुर हाउसिंग के एक शिव मंदिर में तोड़फोड़ की घटना पर आसनसोल उत्तर के बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव के पहले इस तरह की घटनाओं से आसनसोल के सांप्रदायिक सौहार्द को साजिशन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मुखर्जी ने कल्याणपुर के शिवस्थान मंदिर में जाकर निरीक्षण भी किया था। একটা কালীপাহাড়িতে হনুমান মন্দির এবং কল্যাণপুর হাউসিংয়ে শিব মন্দির, দুটো মন্দিরেই সেইখানে হনুমানজির মন্দিরে মন্দিরের বিগ্রহকে ভাঙচুর করা হয়, সেখানে যা জিনিসপত্র ছিল সেগুলোকে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। শিব মন্দিরেও তাই একই রকম আর কি, সেইখানে ত্রিশূল ভেঙে ফেলা হয়, সেখানে সমস্ত যে ছবি সেই ছবিগুলোকে মন্দির থেকে বাইরে বের করে নিয়ে এসে মন্দিরের পেছনে আগুন দিয়ে জ্বালানো হয়, এইরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমবার যখন আমরা প্রথম খবরটা পাই তারপর সেটাকে আমি ওখানে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমি আমাদের কনভেনার মদন চৌবে ছিলেন ওখানে, ওখানে আমাদের লোকাল নেতৃত্ব ছিলেন, প্রশাসন ওখানে ছিলেন, আমরা ওখানে পৌঁছাবার পর যখন এই উত্তেজনা একটা অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, আমরা সবাইকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানাই। নির্বাচনের প্রাককালে আমরা জানাই যে এইরকম কোনোরকম এত কিছু পরিস্থিতির পর যেন সৃষ্টি না হয়, কোনো প্ররোচনা যেন পা না দেওয়া হয়, এইভাবে আমরা সেখানে মেসেজ দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি। 11টার সময় আমরা যখন আবার জানতে পারি শিব মন্দিরে এইরকম ঘটনা ঘটেছে, করলাম আবার সেখানে আমরা পৌঁছাই এবং সেখানে প্রশাসনের উপস্থিতি ছিল, প্রশাসন ছিল এবং সেখানেও আমরা সেম মেসেজ দিই যে কোনোভাবে কোনো প্ররোচনায় পা দেওয়া যাবে না। একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিঘ্নিত করার জন্য এইরকম একটা জিনিস তৈরি হয়েছে এবং আমি খুব ব্যর্থহীনভাবে ডিস্টার্ব করার জন্য, কমিউনাল হারমোনিকে ডিস্টার্ব করার জন্য এই ঘটনা কোনো একটা জায়গা থেকে ঘটানো হচ্ছে এবং এটা অবশ্যই এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। लेकिन इधर काली पहाड़ी की घटना को तृणमूल कांग्रेस ने सामान्य घटना बताया है। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश सचिव वी शिवदासन ने कहा कि काली पहाड़ी में जो घटना हुई है उसे एक पागल ने अंजाम दिया है, ये कोई साजिश नहीं है। আমি এক সপ্তাহ পহলে আমি আপনাকে বলেছিল একটু প্রেস মিটে মধ্যে আপ প্রেস মিটে মধ্যে বলেছিল আমার লড়াই পাঁচটা বিধানসভাতে বামফ্রন্টের সঙ্গে আছে, চারটা বিধানসভাতে বিজেপির সঙ্গে আছে, এই লড়াইতে তৃণমূল জিতছে। বিজেপি যে স্বপ্ন দেখছে 9টা সিট জিতছে, আবার আমি বলবো দুর্গাপুরে 2টা সিটে লড়াই বামফ্রন্টের সঙ্গে করছে তৃণমূল জিতছে, জমুড়িয়া রানীগঞ্জ পাণ্ডেশ্বরের সিট বামফ্রন্টের সঙ্গে লড়াই হচ্ছে তৃণমূলে, তৃণমূল জিতছে। আর আসানসোল নর্থ, আসানসোল সাউথ, উল্টি আর বারাবণী বিধানসভা এর বিজেপির সঙ্গে লড়াই হচ্ছে, আর বিজেপি প্রার্থীকে খুঁজেই পায় যাচ্ছে না। আসানসোল সাউথ এর প্রার্থী আসেছে স্টেটে জেনারেল কি প্রেসিডেন্ট আসছে, মহিলা মোর্চার প্রেসিডেন্ট, কালি মিডিয়াতে থাকার জন্য বিভ্রান্ত এক এক স্টেটমেন্ট দিয়ে যাচ্ছে। কালকে আপনার
আসানসোল সাউথের মধ্যে কালীপাড়িতে একটা ছোট ঘটনা হয়েছে রাত্রে 12টার সময়। কি ঘটনা হয়েছিল? একটা পাগল লোক, ও পাগল লোক দুবারই আপনার এই সপ্তাহের মধ্যে দুবারই ঘটনা করেছে, দু তিনবার, কালকে মিলে তিনবার একটা সেলুনের মধ্যে ভাঙচুর করেছে, আর একটু মন্দিরে দুর্গার মন্দিরের মধ্যে একটু ঝামেলা পাকিয়েছিল, আর কালকে একটু হনুমান মন্দিরে একটু ঝামেলা পাকিয়েছে, একটু কি কিছু করেছে। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. बंगाल का ये विधानसभा चुनाव जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे ये धार्मिक आधार पर लड़ा जा रहा है, जहां तृणमूल कांग्रेस और स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुसलमानों को एकजुट होकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रही है, वहीं बीजेपी हिंदू वोटरों को संगठित करने में लगी है। इसी क्रम में आसनसोल में भी धार्मिक भावनाओं को भड़का कर हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के आसनसोल उत्तर के प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने पार्टी की एक सभा में ये सवाल खड़ा किया कि बस्तीन बाजार का मंदिर आखिर क्यों बंद किया गया है, किसको खुश करने के लिए ऐसा किया गया है? देश में हिंदू मंदिर बंद होता है, पाकिस्तान में हिंदू मंदिर बंद होता है, लेकिन आप बोल सकते हो बस्ती में पूरा दुर्गा मंदिर क्यों बंद किया गया है? इसका थोड़ा जवाब चाहिए था जो मंत्री नेता लगाते हैं उनका, तो जवाब करिए। आपका घर में वोट देने वोट मांगने आए तो कम से कम पूछिए बस्ती मेयर का मंदिर क्यों बंद है, किसका इशारा पे किसको खुश करने के लिए मंदिर बंद किया है आप लोग? आसनसोल सिरपांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा, स्कूल में सारे आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्र सेल श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्ड्रोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली, समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है, सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड, बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। दीदी, ओ दीदी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भाषा शैली जल्द ही शिल्पांचल के लोगों को देखने मिल सकती है। इस विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर हमले की खास शैली बन गई है। दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस तरह से कटाक्ष न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। मोदी की दीदी ओ दीदी कहने पर अब ममता बनर्जी भी चिढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उनकी पार्टी तृणमूल के नेता भी मोदी की दीदी ओ दीदी पर अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने अपने भाषण की ये खास चुनावी शैली ममता और तृणमूल कांग्रेस पर हमले का मुख्य हथियार बना लिया है। मोदी की सभा में आने वाले बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक भी उनके दीदी ओ दीदी कहने पर खासे उत्साहित दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर हंसी दौड़ जाती है। शनिवार को पीएम मोदी की कृष्णनगर की सभा में इसका कई बार उदाहरण देखने को मिला। दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी। बहरहाल पीएम नरेंद्र मोदी का यह हथियार आसनसोल में भी जल्द दिखाई देगा। दरअसल पीएम मोदी की चुनावी रैली आगामी 17 अप्रैल को आसनसोल में प्रस्तावित है। इसकी तैयारी बीजेपी द्वारा की जा रही है। बीजेपी के नेताओं ने मोदी की सभा को लेकर आसनसोल के कई मैदानों को निरीक्षण किया है। इनमें आसनसोल का पोलो ग्राउंड और निघा का खाली पड़े एरोड्रम की जमीन है। हालांकि मोदी की सभा की अभी तारीख आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है, लेकिन ये तय है कि आसनसोल दुर्गापुर की 9 सीटों के लिए पीएम मोदी की सभा जरूर होगी, क्योंकि बीजेपी इन सभी सीटों पर अपनी जीत पक्की करना चाहती है। इसलिए सभी उम्मीदवार और जिले के बीजेपी नेता ये चाहते हैं कि पीएम मोदी की सभा जरूर रखी जाएगी। दरअसल बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक तो पीएम नरेंद्र मोदी ही है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. आसनसोल में कांग्रेस के आखिरी प्रमुख अल्पसंख्यक नेता मुनीर बेग ने भी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। शुक्रवार की रात आसनसोल रेल पार्क के ओके रोड में हुई तृणमूल कांग्रेस की एक सभा में कांग्रेसी नेता मुनीर बेग राज्य के मंत्री और आसनसोल उत्तर के तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी मलय घटक के हाथों पार्टी का झंडा थाम कर विधिवत रूप से ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गए। मुनीर बेग आसनसोल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। हाल ही में जब संयुक्त मोर्चा के सीट बंटवारे के तहत आसनसोल उत्तर सीट ISF को दे दिया गया तो मुनीर बेग के नेतृत्व में कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं ने पार्टी के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने आसनसोल उत्तर सीट से कांग्रेस कोटे में रखते हुए यहां से मुनीर बेग को उम्मीदवार बनाए जाने की भी मांग की थी, लेकिन पार्टी ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो कुछ दिनों पहले आसनसोल टाउन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साहिद परवेज समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब उनके बाद मुनीर बेग ने भी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जिंदाबाद।